कोरोना काळ दरमियान टूरिज्म उद्योग ने घणो फटको लाग्यो छे, त्यारे टूरिज्म उद्योग ने फरीथी प्रोत्साहन आपवा अने चेतनवंतु बनावा टूरिज्म लीडर क्लब TLC द्वारा अमदावाद, वडोदरा अने सूरत एम चार शहरों में सिम्प थी ड्राइव सपोर्ट टूरिज्म अभियाननु आयोजन करवामां आव्युं छे। TLC ना फाउंडर प्रेसिडेंट अमेश भाई दफ्तरीए जणावेल छे के राजकोट में तारीख 25 फेब्रुआरी गुरुवार ना रोज सवारे 5 वाग्याना ब्रह्म मुहूर्त में आ ड्राइव शुरू कराशे, जे अमदावाद में 25 अने 26 फेब्रुआरी, बरोड़ा में 27 फेब्रुआरी अने सूरत में 28 फेब्रुआरी ना रोज ड्राइव योजाशे। टूरिज्म अभियान हमारा ये सिंपथी ड्राइव है। हम सब सभी से, सरकार से, पब्लिक से सबसे सपोर्ट मांग रहे हैं कि टूरिज्म को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया है और हम लोग भूखे प्यासे हैं। पिछले एक साल हमारा पानी में गया है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और अगर ये सरकार और पब्लिक ध्यान नहीं देगी तो हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए। एक साल से हमें कुछ इनकम नहीं हुआ है और अभी भी ये इनकम स्टार्ट होने का है, फिर भी हम तो भगवान से गुजारिश करते हैं कि अभी कोरोना को स्टॉप करो, और नहीं तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। अभी आज करंटली ऐसा सिचुएशन है कि एक स्टेट बोलता है ये रूल, दूसरा स्टेट बोलता है ये रूल। इसके हिसाब से जो हमारे कस्टमर है, जो बुकिंग किया है, वो भी कैंसिल कर रहे हैं और हमको बहुत नुकसान हो रहा है हमको। तो ये ऐसा ही माहौल रहा, हमें सरकार मदद नहीं करेगी तो ये हमारे कस्टमर सब डर रहे हैं कि हम कैसे जाए। और हम तो भगवान से ये भी गुजारिश करते हैं कि आप अभी कोरोना को आप स्टॉप करो, नहीं तो ये सब लोग हम क्या करेंगे। और आत्महत्या लोगों ने की है राजकोट, ये राजकोट से लेके अभी हम ब्रह्म मुहूर्त में ये स्टार्ट किया है, और पूरे राजकोट से अहमदाबाद में जितने भी सिटी है, हमारे सारे टूरिज्म के पार्टनर हमें वेलकम और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकोट से हमें राग ताश एसोसिएशन का सपोर्ट है, और ये सारे अभी सुबह आप देखिए 5:30-6 बजे ये हम यहाँ पे 25-30 लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और ये सुबह का 5:30 बजे का टाइम होने के बावजूद सब लोग यहाँ पे हाजिर हैं। आप ये देखिए कि कितनी तकलीफ है हमको। अरे दूसरी सारी इंडस्ट्री ही है तो टूरिज्म को क्यों नहीं, इंडस्ट्री टूरिज्म को क्यों चैनलाइज नहीं किया, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई भी ट्रैवल एजेंट को कोई 5 पैसे का फायदा नहीं दिया। निर्मला सीताराम जी ने बजट बनाया तो टूरिज्म के लिए तो सोचना चाहिए। इंडिया में 10% नियर टू 10% GDP है ग्रोथ के लिए, तो हम भी सरकार में टैक्स दे ही रहे हैं। हमारी होटल है 18% GST, 18% हमारा भी मुनाफा नहीं, फिर भी सरकार ले रही है, तो हमको फायदा तो कुछ दे। तो हम तो विनंती कर सकते हैं, तो माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए। जो चला गया बजट तो चला गया, अभी आप कोई अमेंडमेंट डाल के फिर से नया अमेंडमेंट लाओ टूरिज्म के लिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं। कोरोना महामारी है वो तो पूरे विश्व में है, लेकिन जो टेस्ट है गुजरात के अलावा, जहाँ टूरिज्म के लोगों के लिए जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, और स्टेट का मेन बिजनेस ही टूरिज्म है, तो वहाँ भी लॉस हुआ है। और अलग अलग जो पॉलिसी बनाई रखी है कि जैसे कि कभी समझ लो कभी महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो उसमें वहाँ कोरोना की पॉलिसी अलग है, तो केंद्र लेवल से हमको एक बात करनी है कि भाई तुम लोग कम से कम एक पॉलिसी तो बनाओ, जिससे लिए क्या होता है कि गुजरात का टूरिस्ट होता है वो अपने आप का प्रोग्राम बना के वो उत्तराचल में जाना चाहता है, लेकिन तब भी वो उत्तराचल वाला पॉलिसी बना देता है कि नहीं अभी कोरोना टेस्ट होगा, तो इससे क्या धंधा पब्लिक गैर मास्क पर चल रही है और पब्लिक को भी पूरी गाइडलाइन नहीं मिल रही है। और टूरिज्म इंडस्ट्री की दशा जो आपने हमने सुनाई कि बहुत खतरे पे है, तो कम से कम जो अभी हम लोग शांति से ये आंदोलन कर रहे हैं और आगे जाके जो हमारी बात नहीं सुनेगा वो जो एक्शन होगा और इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी,